राधा कृष्णा, जय जिनेसा। मैं सर ज्योति छिपा, हेल्दी शाही खाना, शाही सांभर मसाला, शाही जैन रेसिपी, शाही खाना खजाने के अंदर मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए आज बनाते हैं किचन के अंदर में शाही सांभर मसाला। बहुत ही कम सामानों से मैं बनाऊंगी चार सामान, अक्सर घर हमारे घरों में रहते हैं, तो फिर चलिए। और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है शाही सांभर मसाला, बस एक से डेढ़ चम्मच डालना पड़ता है। तो चलिए फिर आज बनाते हैं शाही सांभर मसाला। शाही सांभर मसाला बनाने के लिए मैंने एक कटोरी ली, एक कटोरी के नाप से मैंने अखा धनिया लिया, 20 से 25 लौंग और 30 35 अखी लाल मिर्ची, आधी कटोरी मेथी दाना। चलिए उसको गैस पे सेकेंगे। ये मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें डालेंगे धनिया, मेथी दाना और लौंग। इसे धीमी आंच में सेकना है, बस इसे धीमी आंच में ही सेकना है। अब डालिए अखी लाल मिर्ची, इसे भी धीमी आंच में ही सेकना है। यकीन मानिए शाही सांभर मसाला जो घर का जो मैं बनाती हूँ, इतना स्वादिष्ट और टेस्टी शाही सांभर मसाला है। आज 5-6 साल हो गए मैं घर में ही बनाती हूँ, बस एक से डेढ़ चम्मच सांभर में डालती हूँ और स्वादिष्ट सांभर बनता है। धीमी आंच में चारों चीज़ें अच्छे से सीख गई हैं, खुशबू आ रही है एकदम। बनाइए तो आप भी, अगर रेसिपी बनाएंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और ये अच्छी तरह से सिक गया है ये, और मैं गैस बंद कर दीजिए। अभी से ठंडा होने के लिए थाली में निकालूंगी, थाली या प्लेट में निकालना है। मैंने ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल दिया, तो ठंडा हो जाए इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीसूंगी मैं। ये ठंडा हो गया है, इसे अब मिक्सर ग्राइंडर में डालना है पीसने के लिए। बस एकदम बारीक चिकना पीसना है। अच्छी खुशबू आ रही है, बस एक से डेढ़ चम्मच डालना है। अगर आप तीखा खाते हैं तो डेढ़ चम्मच डालिए। शाही सांभर मसाला तैयार, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है।